हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे पोलैंड एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में। जैसे कि मेरे अभी सभी दोस्तों को पता चल ही गया, अभी इंडिया में भी जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम था वो पूरा चेंज हो गया है। पहले जो आपकी अपॉइंटमेंट आती थी वो VFS के थ्रू आती थी, तो आपको जो अपनी सबमिशन करने के लिए जो आपकी फाइल सबमिट होती थी वो भी VFS के थ्रू ही सबमिट होती थी, तो वहाँ पर आपके इंटरव्यू होने के चांसेस बहुत कम होते थे। तो अभी क्या है, पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्ट एम्बेसी की तरफ से आती है, और आपको जो अपनी फाइल सबमिशन करने के लिए जाना होता है वो भी आपको डायरेक्ट एम्बेसी में जाना पड़ता है। तो अभी 90% चांस आपके हैं कि आपकी इंटरव्यू होगी, और 10% चांस होता है कि आपकी इंटरव्यू नहीं होगी। तो आज हम इस वीडियो में वही उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपका जो इंटरव्यूअर है आपसे पूछ सकता है, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एक आपको आइडिया सा लग जाएगा कि हाँ, किस टाइप के क्वेश्चन है वो हमसे पूछेंगे और किस चीज़ की आपको जो तैयारी करके जानी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड के बारे में कि कैसे कपड़े आपको पहन के जाने हैं इंटरव्यू के टाइम में, जब जब भी आप फाइल अपनी सबमिशन के लिए जा रहे हो कैसे कैसा ड्रेसिंग सेंस करके जाना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो मेरे दोस्त स्टूडेंट वीज़ा के लिए सबमिशन के लिए जा रहे हैं, या जिनकी हाई प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, जब कोई IT के जा रहा है, कोई अच्छी मतलब अच्छी जॉब के लिए जा रहा है, हाई प्रोफाइल जॉब के लिए जा रहा है, आपको सूट पहन के जाना है, टाई वाई लगा के पूरा अपनी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड एक नंबर बना के जाना है, आपको शेविंग करके जाना है, सब कुछ अच्छे से करके जाना है। और बाकी जो मेरे दोस्त कॉन्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, या वेयर हाउस में जा रहे हैं, या फैक्ट्री में जा रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जो बियर्ड है उसकी शेप बनानी है, शेव करने की आपको ज़रूरत है नहीं, बस बाकी नॉर्मल शर्ट पैंट पहनो, रिलैक्स होकर जाओ इंटरव्यू के लिए। आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं कि टाई वाई लगा के जाओ, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्शन का काम करने वाला है वही बंदा टाई वाई लगा के जाएगा, तो फिर आपका जो रिजेक्शन के चांसेस है वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो हो वही दिखाना है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए या हाई प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो आपका सिस्टम ही ऐसा होगा कि आप मतलब सूट वूट पहन के जाओगे, और अगर आप एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के या फैक्ट्री वर्कर के काम में जा रहे हो तो आपको उसी हिसाब से अपने जो कपड़े पहन के जाने हैं, ताकि उनको आउट ना लगे कि हाँ यार, कॉन्ट्रैक्शन का बंदा इतना सूट बूट पहन के आ रहा है तो वो कैसे काम करेगा, उनको ये चीज़ ना आउट नहीं लगनी चाहिए। तो जब भी आप इंटरव्यू के सामने जाते हो तो आपको सिर्फ उसके आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, और आपको नर्वस नहीं होना है। कुछ भी आपसे पूछे अच्छे से जाके पहले आप उनको विश करिए, जो भी गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून है वो बुलाइए, और उसके बाद में आपको डरने की जरूरत है नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में सवाल पूछेंगे, आपको हिंदी में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम होता है वहाँ पर ही, उनके पास एक बंदा होता है ट्रांसलेट करने के लिए, वो आपको हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में पूछ सकता है। बट जो मेरे दोस्त हाई प्रोफाइल जॉब के लिए जा रहे हैं या स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं, आप मस्ट इंग्लिश में ही उनको अपना जो इंटरव्यू दें। और बाकी जो मेरे दोस्त फैक्ट्री की जॉब में जा रहे हैं, या वेयर हाउस की जॉब में जा रहे हैं, या अपने फैक्ट्री की वेयर हाउस या कॉन्ट्रैक्शन की जॉब में जा रहे हैं, तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप इंग्लिश में करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में बात कर सकते हो। तो अभी हम एक एक करके बात करेंगे कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो गाइस, अभी हम एक एक करके जो क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ये देखो, मैंने पूरा आपके लिए आपकी इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए पूरा जो मैंने एक पेपर लेके उस पर जो जो भी मेरे दोस्त पहले गए थे पोलैंड में, उनको एक एक बंदे को कॉल करके उनसे पूछा कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है आपसे एम्प्लॉयर ने किए थे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन सेम थे उनके, बट जो जो भी है मैंने लिख के रखे हैं, और ये पूरे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको जो इंटरव्यू देने के लिए बहुत आसानी हो सके, ताकि आपको जो पहले से पता हो कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन पूरे करने के लिए शायद मेरे को इसका दूसरा पार्ट भी बनाना पड़े। तो सबसे पहले आपसे आप टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो उसमें क्या है, नाम तो आपका उनको पता ही होगा, तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि हाँ हाँ, ये मैंने इतनी एजुकेशन की है, अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बता दें, और अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बता दें, और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है पास्ट का उसके बारे में थोड़ा बता दें उनको। और बाद में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर कंपनी नेम,
आपको कंपनी का नाम आपके वर्क परमिट पे लिखा होगा, और जब भी आपको जाना है अपना वर्क परमिट अच्छे से रीड करके जाएं, क्योंकि 70% जो क्वेश्चन है वो आपके वर्क परमिट से मेल से ही आएंगे। बट इज द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, कि जिसने आपको वर्क परमिट आपको दिया है उस बंदे का, जो आपका कंपनी का ओनर है उसका नाम क्या है, और वो आपके वर्क परमिट के अंदर ही लिखा होता है। तो जो भी आपका नाम है आप उसको आंसर दे दीजिए। वेयर इज द एड्रेस ऑफ योर कंपनी, आपकी जो कंपनी का एड्रेस है वो कहाँ पर है, कौन से शहर में है, तो वो भी आपके वर्क परमिट पे लिखा होगा। तो आप उसमें से वर्क परमिट को जब रीड करोगे तो आपको आपकी कंपनी का नाम और एड्रेस पता लग जाएगा। हमें पूछ सकते हैं जो आपकी कंपनी है वो आपकी अकोमोडेशन से, जो आपकी कंपनी का ऑफिस है वो आपकी अकोमोडेशन से कितना दूर है। तो ये भी आपके जो आप जब भी आप अपना वर्क परमिट लेते हो ना तो उसमें एड्रेस लिखा होता है, एक एड्रेस लिखा होता है आपकी कंपनी का, आपके जो कंपनी का मेन ऑफिस है उसका एड्रेस, और दूसरी साइड में आपकी अकोमोडेशन का एड्रेस है, उसमें आप सर्च करके डिस्टेंस देख सकते हैं कितना है। बाद में पूछ सकते हैं कि आप कैसे जाओगे पोलैंड में, आप कैसे जाओगे, तो आपको ये आंसर नहीं देना है कि हाँ मैं फ्लाइट से जाऊँगा या कैसे जाऊँगा, नहीं, आपको आंसर देना है कि सर मेरी जो फ्लाइट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया से लगा लेते हैं कि जो मेरी फ्लाइट है न्यू दिल्ली से वो दुबई में जाएगी, दुबई से पोलैंड जाएगी, जब न्यू दिल्ली से कतर में जाएगी, फिर कतर से पोलैंड में जाएगी। तो आपको जो अगर आपकी स्टे है जितने भी घंटे की है वो आपको मेंशन कर देना है कि मैं दुबई अपने न्यू दिल्ली से इतने बजे मेरी फ्लाइट निकलेगी, फिर मेरी फ्लाइट है जो दुबई में लैंड करेगी, उधर के बाद में 3 घंटे का स्टे डाल के या 4 घंटे का स्टे डाल के फिर अपने जो पोलैंड में इतने बजे मेरी फ्लाइट है वो लैंड हो जाएगी। हु विल कम टू पिकअप यू, कि आपको जो पोलैंड में जब भी आप पहुंचोगे तो आपको कौन पिकअप करने आएगा। तो मोस्टली अभी कंपनी का बंदा ही आता है, अभी सबको पता है कि मोस्टली जो कंपनी का बंदा ही आपको पिकअप करने आता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि जो मेरी कंपनी का कोऑर्डिनेटर है वही मेरे को पिकअप करने के लिए आएगा। इन केस कि अगर आपसे पूछ लेते हैं कि हाँ आप उसका कोई नंबर है आपके पास उसका, या उसका क्या नाम है, तो आप बोल सकते हो सर जब भी मेरा वीज़ा आएगा तो मैं अपना वीज़ा सेंड करूंगा, तब उसके बाद में फिर वो मेरे को पूरे बताएगा कि कौन सा बंदा तुमको लेने आ रहा है, उसका मोबाइल नंबर सब कुछ मैं उनसे ले लूँगा। विच डेट योर कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके वर्क परमिट पे डेट ऑफ इशू लिखा होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक ख़त्म हो रहा है। ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तब आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो ये है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ ख़त्म हो रहा है। 1 साल का है तो 1 साल की डेट बताएं, 3 साल के लिए आपका वर्क परमिट वैलिड है तो आप 3 साल के लिए बताएं। फिर आप पूछ सकते हैं व्हाट इज योर जॉब पोजीशन, तो अगर आप वेयर हाउस के काम में जा रहे हैं तो बताओ कि हाँ सर मैं वेयर हाउस के काम में जा रहा हूँ, और अगर आप फैक्ट्री के काम में जा रहे हैं तो फैक्ट्री के बारे में बताइए। हाउ मेनी वर्किंग आवर इन ए वीक, मतलब आप हफ्ते में कितने घंटे काम करेंगे। तो आप अगर आप आठ घंटे आपकी ड्यूटी है, 5 दिन ड्यूटी 2 छुट्टी है, तो आपके 40 घंटे बनेंगे। तो आपको बोलना है कि सर मैं जो 40 घंटे एक वीक में मैं काम करूँगा, सही, आपको ओवरटाइम उसमें नहीं बताना है कि ओवरटाइम लगेगा नहीं लगेगा, नो, आपको जो आपके वर्क परमिट में लिखा है कि एक हफ्ते में आप 40 घंटे काम करेंगे तो आपको 40 ही बताने हैं। व्हाट इज़ योर कंपनी अकोमोडेशन एड्रेस, तो वो आपके जो वर्क परमिट में लिखा हुआ है, जो आपका लेटर आपको मिलेगा लेटर ऑफ अकोमोडेशन, उसमें आपका अकोमोडेशन का जो एड्रेस लिखा होता है तो वो आपको बताना है कि मेरी अकोमोडेशन का एड्रेस है। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपकी अकोमोडेशन है वो सिटी से कितनी दूर है, कितना टाइम लगता है उसको सिटी आने जाने के लिए। तो तब क्या कर सकते हैं आप, जो अपनी अकोमोडेशन है उसका जो एड्रेस है उसको सर्च करके, पहले से ये करना है आपको इंटरव्यू जाने से, तो आप सर्च कर सकते हैं कि सिटी से कितना दूर है, बस थोड़ा लगभग बता दें कि इतने किलोमीटर का फासला है। हाउ विल यू अप्लाई दिस जॉब, आपने ये जॉब कैसे अप्लाई किया, या कैसे ये जॉब आपने ढूंढी। तो अगर तो आप ऑनलाइन सर्च करके जॉब ले रहे हैं तब तो आपको बताना है कि सर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना डॉक्यूमेंट सेंड किए कंपनी को, कंपनी ने मुझे डायरेक्ट है वो जो अपना ऑफर लेटर दिया। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तभी भी आप मेंशन कर दी कि सर मैंने इस एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया था, तो ऐसे ऐसे करके मेरा जो वर्क परमिट मेरे को एजेंसी के थ्रू मिला है। हु विल पे फॉर योर वीज़ा एक्सपेंस, कि आपका जो वीज़ा आ रहा है उसका जो एक्सपेंस है वो कौन पे कर रहा है। तो आपको सिर्फ यही बोलना है, चाहे आप पूरे पैसे खुद खर्च कर रहे हो या आपकी कंपनी कर रही है, बट उस टाइम में आपको यही बोलना है कि जो मेरा 80% है वो मेरी कंपनी पे कर रही है, और जो 20-20% है वो मैं खुद से पे कर रहा हूँ, जैसे कि अपनी इंश्योरेंस करवा के जाना,
या एयर फ्लाइट का टिकट लेके जाना वो मैं खुद कर रहा हूँ और बाकी जो खर्चा है वो मेरी कंपनी पे कर रही है। ऐसा आपको नहीं बताना है कि पूरा खर्चा मैं करके जा रहा हूँ, नहीं, आपको ये बताना है कि 80% मेरी कंपनी पे कर रही है और 20% है जो आपका टिकट का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, वो मैं खुद करके जा रहा हूँ। व्हाट इज योर करंट जॉब पोजीशन? तो अगर सपोज करो कि आप वेयर हाउस के काम में जा रहे हो, अभी इंडिया में तो आप वेयर हाउस का काम नहीं कर रहे हो, तो इंडिया में जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे कोई फैक्ट्री का काम कर रहे हो, तो आपको उसी हिसाब से बताना है कि जो आपका वो वेयर हाउस के साथ रिलेटेड हो काम, कि उससे थोड़ा सरलता मिलता हो, तो आपको यही बताना है कि सर उसके बारे में मेरे को आइडिया है कि वेयर हाउस में कैसे काम करना है, बट इंडिया में मेरी अभी जो पोजीशन है वो फैक्ट्री वर्कर की है, लेकिन मेरे को पता है कि वेयर हाउस में कैसे काम होता है, क्या काम होता है, तो उसके साथ थोड़ा रलता मिलता आइडिया आपको देना है। कि डू यू नो वेयर इज अ पोलैंड? तो फिर आपको बताना है कि जैसे पोलैंड के साथ में बॉर्डर लगते हैं, स्लोवाकिया का बॉर्डर लगता है, चेक रिपब्लिक का लगता है, और ऑस्ट्रिया का लगता है, जर्मनी का लग रहा है, और वो पूरा आपको बताना है कि इसके बीचकार में जो पोलैंड है, आपको साथ साथ में जो भी कंट्री का बॉर्डर टच होते हैं वो आप बता सकते हो। और सबसे ये मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज योर प्लान आफ्टर योर वीजा एक्सपायर? कि जब ही आपका वीजा है जो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद में आपका क्या प्लान है? तो आपको यही बोलना है कि जब भी मेरा वीजा एक्सपायर हो जाएगा तब मैं अपनी जो कंट्री में वापस आ जाऊंगा, और मैंने ऑलरेडी जो मेरी रिटर्न टिकट है मैंने ऑलरेडी अपनी जो फाइल में आपको सबमिट कर दी हुई है। आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ मैं वीजा रिन्यू कर लूंगा या मैं किसी दूसरी कंट्री में ट्राई करूंगा, नो नो, आपको यही बोलना है कि मैंने जो अपना वीजा खत्म करके मैं अपनी वापस कंट्री में वापस आ जाऊंगा। यू हैव एनी रिलेटिव्स इन पोलैंड और एनी शेंगेन कंट्री? तो आपको सीधा बोलना है नहीं। अगर आपसे पूछता है कि आपका कोई रिलेटिव या आपका भाई दोस्त या कोई रिलेटिव्स आपका जो पोलैंड में या शेंगेन कंट्री में है, तो आपको सीधा बोलना है नहीं है। क्योंकि अब अगर आप बोलोगे कि हाँ मेरा ये दोस्त पोलैंड में है या मेरा भाई पोलैंड में है, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा आगे मूव करेगा। अगर कोई भी शेंगेन कंट्री में आपका रिलेटिव्स है या आपका फ्रेंड है, तो उनको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये बंदा उधर टिकेगा नहीं, ये बंदा मूव करेगा। तो इसलिए आपको यही बोलना है, चाहे आपका बड़ा भाई क्यों ना हो पोलैंड में, आपको यही बोलना है कि नहीं सर मेरा कोई ब्लड रिलेशन का बंदा भी नहीं है और मेरा कोई एज ए फ्रेंड भी कोई उधर नहीं है। हु विल प्रोवाइड यू अकोमोडेशन? कि जो आपकी अकोमोडेशन है आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो आपके वर्क परमिट में लिखा होगा, अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो आप लिखो कि मैं मेरी कंपनी है जो मेरे को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, और अगर आपकी कंपनी कुछ चार्जेस आपसे कट रही है, कुछ चार्जेस आपसे ले रही है, वो आपके वर्क परमिट में मेंशन होता है कि कितने पैसे आपकी कंपनी चार्ज कर रही है, तो आप वो ही बताओ कि इतने पैसे मेरी कंपनी चार्ज कर रही है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बताओ। हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग इन पोलैंड? कि आप पोलैंड में कितने समय के लिए काम करने जा रहे हो? तो वो आपको सिर्फ आपका वर्क परमिट देखना है, उस पर कितने, अगर एक साल का है तो एक साल के लिए बोलो, दो साल का है तो दो साल के लिए, और तीन साल का है तो तीन साल के लिए बोलो। तो दोस्तों आई होप कि ये पूरे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अभी इसमें मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इसका मैं पार्ट टू बनाऊंगा। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इसका भी मैं पार्ट टू लेके आऊँगा, और भी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं उसके बारे में हम अभी सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।